हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रानी लक्ष्मीबाई पार्क का निर्माण किया गया। शिमला को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने के लिए यहाँ काफ़ी परिवर्तन किए गए। इस पार्क का नाम पहले लेडीज पार्क से जाना जाता था। म्युनिसिपल पार्क का उद्घाटन 6 जुलाई 1937 को राजकुमारी अमृत कौर द्वारा किया गया था। यह महिलाओं और बच्चों के लिए ही शुरू में खोला गया था। महारानी झांसी पार्क से पहले इसका नाम लेडीज पार्क से भी जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई का शानदार सम्मान यहाँ मनाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी कई तरह के निर्माण किए गए हैं। यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए एक उच्च पार्क है, जहाँ ये अपनी थकान को भी मिटा सकते हैं और बच्चे भी यहाँ खेल कूद सकते हैं। इस पार्क से कसौली की पहाड़ी और प्रोस्पेक्ट से चक्कर और कामला देवी का दृश्य भी देखा जाता है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। पार्क से निकलने के बाद आप रिच की ओर जा सकते हैं, जो कि 3 मिनट का रास्ता है। रिच पे चर्च, जो कि शिमला की पहचान है, आपको दिखेंगे। यहाँ और भी शानदार स्मारक बने हुए हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इसके साथ महात्मा गांधी का स्मारक भी यहाँ बहुत अच्छा बनाया गया है। हिमाचल के निर्माता डॉक्टर वाई एस परमार का स्टैचू है। साथ ही गुफा रेस्टोरेंट है। हॉबीज पर सभी लोग घूमना पसंद करते हैं। टूरिस्ट जब भी शिमला आते हैं तो इस स्थान पर वे अवश्य आते हैं।